देखिए दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर स्टाइलाइजेशन के बहुत से वीडियो देखे होंगे कि महिला नसबंदी क्या है, पुरुष नसबंदी क्या है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अनवांटेड 72 हवर की जो गोली लेते हैं वो। अनवांटेड 72 हवर की गोली के नाम से ही आप समझ गए होंगे, यानी आपातकाल, आपातकालीन गोली। अब आपातकाल कब होता है? आपातकाल होता है कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए तो उसे हम आपातकाल बोलते हैं। और एक कपल्स को आपातकाल कब होता है दोस्तों? कपल्स को आपातकाल तभी होता है जब वो कोई भी साधन यूज कर रहा है और वो साधन यानी कि जो प्रोटेक्शन वो ले रहा है कि उसको अनचाह गर्भ न ठहरे, वो प्रोटेक्शन फेल हो जाए तो उसे आपातकाल लागू हो जाता है। यानी सीधी सी भाषा में बात करें तो कोई कपल मान लो कंडोम्स का यूज कर रहा है, अगर वो अपने साथी के साथ संबंध बना रहा है और कंडोम फट गया तो हो गया आपातकाल लागू। या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं, कोई महिला गोली ले रही है, किसी दिन वो गोली लेना भूल गई, एक से दो दिन और उसने अपने साथी से संबंध बना लिया, हो गया आपातकाल। यानी कि भय हो जाता है, एक डर हो जाता है कि उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी रह सकती है, तो इसी को बोलते हैं आपातकाल। और इसे टालने के लिए आपातकालीन गोली जिसको 72 घंटे वाली गोली बोलते हैं वो लेनी पड़ती है। अब काफी वीडियो में ये बताया जाता है कि इस गोली को लेने का ये टाइम है, इस गोली को लेने का ये टाइम है, आप इसे तब लेंगे तो ये फायदा करेगी और आप इतने टाइम के बाद में लेंगे तो ये नुकसान करेंगी। दोस्तों ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है इस गोली को लेने की। अब ये गोली कैसे काम करती है, कैसे इसका इफेक्टिव आता है, इसको कब लें, यही सब जानने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ आराम से बताऊंगा जो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बने रहिए आखिर तक, पूरा देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समाधान डॉक्टर। दोस्तों कई वीडियो में बताया जाता है कि जो आपातकालीन गोली है इसको इस टाइम पे लें तो ये आपको रिजल्ट्स देगी, या फिर इस टाइम पे ले तो ये बेटर रिजल्ट देंगी। मैं यहां आपसे ये कहता हूं कि इसको किसी भी टाइम पे लें, रिजल्ट्स इसके हाथ में नहीं होते हैं, रिजल्ट्स आपके हाथ में भी नहीं होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं परिस्थितियों के हाथ में। यानी आप उस गोली को चाहे 72 घंटे के अंदर ले रहे हैं, 72 घंटे के लगभग नज़दीक ले रहे हैं, तुरंत भूलते ही मतलब जैसे ही आपका जो कोई भी प्रोटेक्शन है वो फेल हो गया और उसके फेल होते ही तुरंत आप 72 हावर की गोली ले रहे हैं तो ये 100% सक्सेसफुल नहीं है। ये कुछ कंडीशंस पर अप्लाई होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल होती है और अनसक्सेसफुल होती है। तो वो क्या कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फेल क्यों हो जाती हैं, इसी के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। अब मैं बर्बल आपको बताऊं, पिक्चर के द्वारा आपको बताऊं तो मुझे लगता है जो पिक्चर के द्वारा मैं आपको बताऊं तो वो ज़्यादा आपको समझ आएगा। इसीलिए मैं एक पेपर ग्राफ के द्वारा आपको समझाऊंगा कि ये गोली काम कैसे करती है, इस गोली को हम अगर 72 घंटे के अंदर ले लें तो ये सक्सेसफुल होती है तो क्यों होती है, और ये अगर अनसक्सेसफुल होती है तो क्यों होती है। इन्हीं दोनों पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। और मेरी ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपातकालीन गोली लेने के बाद भी कई बार प्रेगनेंसी ठहर क्यों जाती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर और समझते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक महिला का गर्भाशय है, यानी उसका प्रजनन तंत्र है। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि जो 72 घंटे की जो पिल्स है ये काम कैसे करती है, यानी कि ये शरीर में जाके इफेक्टिव कैसे होती है। तो दोस्तों इसका काम करने का एक ही तरीका है कि ये जो ओवरी के अंदर जो एग बनते हैं, जो अंडे बनते हैं, उसकी रिलीजिंग पर यानी उसके निष्कासन पर रोक लगाती है, फुल स्टॉप लगाती है। 72 हावर गोली का केवल यही काम है, क्योंकि ये हार्मोनल गोली है और महिला के द्वारा ली जाती है। अब बात करते हैं कि ये बोलते हैं कि जैसे ही कोई आपसे अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो जाए तो तुरंत ये गोली ले लेनी चाहिए, बिल्कुल ले लेनी चाहिए। अब इस पे भी एक कंडीशंस है, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आज 1 सितंबर है और आज आपसे अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो गया, तो आज 1 सितंबर हो सकता है आपका एग रिलीज न हुआ हो तो ये गोली आप ले लें ताकि वो एग रिलीज ना हो। हो सकता है कल 2 तारीख को एग रिलीज हो, या हो सकता है आज ही एग रिलीज होने की डेट आपकी हो, तो जितना जल्दी हो यानी 72 घंटे के अंदर अंदर आप ये गोली ले लें
तो अगर एग रिलीज नहीं हुआ है, ध्यान रखिए यहां मैं बोल रहा हूं अगर एग रिलीज नहीं हुआ है, तो ये गोली क्या करेगी, एग की रिलीजिंग पर रोक लगा देगी। दोस्तों यहां ध्यान रखने की बात यही है, अगर एग रिलीज हो गया तो ये गोली फेल है, ये गोली काम नहीं करेगी। अब मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर समझा देता हूं। मान लीजिए आपका अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो गया है और आपके शुक्राणु महिला की ओवरी महिला के गर्भाशय के अंदर जा चुके हैं और शुक्राणु दोस्तों अंडे की तलाश के अंदर पूरे गर्भाशय में घूमते रहते हैं। अब 72 घंटे की गोली इसलिए 72 घंटे के अंदर लेना पड़ता है क्योंकि एक शुक्राणु की जो लगभग उम्र होती है गर्भाशय के अंदर जाने के बाद, वो उम्र 2 से 3 दिन की होती है, यानी कि 2 से 3 दिन अगर उस शुक्राणु को एग नहीं मिला, अंडा नहीं मिला, तो वो शुक्राणु खत्म हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि 72 घंटे की गोली 3 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपको याद आए कि भाई मेरा अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो गया है, तो आप फटाफट 3 दिन के अंदर अंदर वो गोली ले लें। 4th दिन लेने से तो कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि अगर शुक्राणु अंदर पहुंच चुका है, एग छूट चुका है और वो दोनों मिल चुके हैं, तो फिर गोली लेने से कोई फायदा नहीं। चलिए अब बात करते हैं, ये गोली अगर आपने सही समय पर ले ली, ठीक है, तो एग रिलीज अगर नहीं हुआ है और एग रिलीज होने की तारीख है, मान लो आज 1 तारीख है, आज एग रिलीज की डेट है, आज सुबह 10 बजे एग रिलीज होना था फॉर सपोज, और रात को आपका अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो गया, ठीक है, और आपने रात को ही गोली ले ली, यानी सुबह से पहले गोली ले ली, तो जो वो 10 बजे का जो टाइमिंग है एग रिलीज का वो रुक जाएगा, ये गोली एग को रिलीज नहीं होने देंगी क्योंकि ये हार्मोन में चेंजेज कर देंगी। अब शुक्राणु अंदर जा चुके हैं तो वो घूमते रहेंगे अंडे के लिए, उनको अंडा मिलेगा नहीं और वो फिर 3 दिन के अंदर अंदर निष्क्रिय हो जाएंगे। 3 से 4 दिन के लिए ये गोली आपके एग रिलीजिंग को टाल देगी। अगर मान लो आपने आज असुरक्षित संभोग कर लिया या फिर आपका कोई भी जो प्रोटेक्शन आप यूज कर रहे हैं, चाहे कंडोम हो चाहे गोली हो, ठीक है, वो फेल हो गया, कंडोम फट गया, गोली लेना भूल गए, ठीक है, और शुक्राणु छूट चुके हैं, ठीक है, और महिला का एग भी रिलीज हो चुका है, ध्यान रखना एग भी रिलीज हो चुका है आज की डेट में, और शुक्राणु भी अनप्रोटेक्टिव सेक्स से आज मान लो महिला के गर्भाशय में जा चुके हैं, और आपने सही टाइम पर जैसे ही आपका कंडोम फटा आपने सही टाइम पर 72 घंटे वाली गोली भी ले ली, लेकिन चूंकि एग निकल चुका है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है, एग छूट चुका है, शुक्राणु भी अंदर जा चुके हैं, तो ये गोली काम नहीं करेगी दोस्तों, ये गोली फेल हो जाएगी। शुक्राणु का और अंडे का मिलन होगा ही होगा और महिला प्रेग्नेंट होगी ही होगी। इसलिए बोलते हैं कि जो 72 घंटे वाली जो गोली है, चाहे ये अनप्रोटेक्टिव सेक्स के तुरंत बाद लें, चाहे उसके 2 घंटे बाद लें, चाहे 3 घंटे बाद लें, चाहे 4 घंटे बाद लें, अगर एग रिलीज हो चुका है, कंडीशंस यही है, एग रिलीज हो चुका है, तो फिर ये फेल है, ये बिल्कुल गोली फेल है, ये काम नहीं करेगी। ये केवल काम उसी दशा में करेगी कि जब आप ये गोली ले रहे हैं, ध्यान रखिए जब आप ये गोली ले रहे हैं उस समय महिला की ओवरी से एग निकला न हो, क्योंकि एग नहीं निकला है तो फिर ये गोली करेगी क्या, उस एग की रिलीजिंग को रोक देगी, कुछ समय के लिए टाल देगी, शुक्राणु अंदर घूम फिर के अपने आप टाइम के एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो अगर एग निकल चुका है तो फिर आप चाहे 72 घंटे के कितना ही जल्दी ये गोली ले लें, ये गोली काम नहीं करेगी क्योंकि एग रिलीज हो चुका है, एग फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, तो फिर अंडा और शुक्राणु मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें फिर इस गोली का टाइम पीरियड का कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कि आप गोली इतने जल्दी ले लिया या फिर गोली इतना लेट लिया तो काम किया कि नहीं किया। कई लोगों की ये मतलब क्वेरी होती है कि सर मैंने तो अनप्रोटेक्टिव सेक्स के तुरंत बाद 72 आवर वाली गोली ले ली थी, फिर भी मैं या मेरी मिसेज प्रेग्नेंट हो गई। तो दोस्तों वो इसीलिए प्रेग्नेंट हो गई कि जिस समय आपका अनप्रोटेक्टिव सेक्स हुआ था उस समय फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडा आ चुका था, फिर चाहे आप गोली 72 घंटे वाली कभी भी ले लो वो काम नहीं करेगी। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा। अगर अब भी आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगली जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूं उस वीडियो में मैं बताऊंगा आपसे कि
आप वो कौन सा साधन यूज करें, यानी आप वो कौन सी इमरजेंसी ट्रिक यूज करें जिससे आप 100% फुल प्रूफ हो जाएं। यानी कि आपका अगर कोई भी साधन फेल हो गया, आपसे कोई भी ऐसा रिलेशन बन गया मतलब सिक्योर नहीं है और बच्चा ठहर सकता है, तो दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा उसे आप यूज कर लेंगे तो 101% बच्चा नहीं लगेगा। ये ट्रिक जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक पर, तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत। जय हिंद।